2024 मारुति सुजुकी स्विफ्ट। जानिए नई मारुति स्विफ्ट 2024 के फीचर्स, माइलेज और स्पेसिफिकेशन की पूरी डिटेल। मारुति सुजुकी स्विफ्ट, नई स्विफ्ट बहुत जल्द भारत में आ रही है, लेकिन जापान के बाजार में इसका एक माइल्ड हाइब्रिड वर्जन मौजूद है जिसमें ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी भी मिलती है, जबकि नई स्विफ्ट में आराम और तकनीक के मामले में ज्यादा फीचर्स भी मिलते हैं। नई स्विफ्ट की लंबाई 3,860 मिलीमीटर है, जो पहले के मुकाबले थोड़ा ज्यादा है। इसकी चौड़ाई 1,695 मिलीमीटर है। ग्राउंड क्लियरेंस 120 मिलीमीटर है, जबकि व्हीलबेस 2,450 मिलीमीटर के साथ पहले की तरह ही समान है। हालांकि यह इसके ग्लोबल मॉडल की डिटेल्स हैं, भारत स्पेक मॉडल के डिटेल खासतौर से ग्राउंड क्लियरेंस अलग हो सकता है। इसका टर्निंग रेडियस 4.8 मीटर है। इंजन और फीचर्स, इसके माइल्ड हाइब्रिड वर्जन में 28.9 किलोमीटर प्रति लीटर का शानदार माइलेज मिलता है, जिसमें 82 PS की पावर और 108 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करने वाला Z12E टाइप 3 सिलेंडर इंजन यूनिट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा एक DC मोटर और लिथियम आयन बैटरी 3 भाग पावर और 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क जेनरेट करता है। यह नया Z12E टाइप 1.2L3 सिलेंडर इंजन में तेज कम्पशन और हाई कंप्रेशन रेशियो के साथ कम स्पीड पर ज्यादा टॉर्क जेनरेट करता है। इसके 5 स्पीड मैनुअल में भी सुधार करने के लिए गियरिंग को रिट्यून किया गया है। इसके स्टैंडर्ड पेट्रोल मॉडल में 24 किम्पल का माइलेज मिलेगा। इसमें बूट के लिए 265 लीटर का स्पेस है, जबकि फीचर्स के मामले में नई स्विफ्ट में टिल्ट स्टीयरिंग, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 9 इंच की स्क्रीन, पावर मिरर, कनेक्टेड कार तकनीक और अन्य कई फीचर्स शामिल है। जबकि जापान स्पेक मॉडल में ADAS और एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक भी मिलता है। डिजाइन और लुक, नई स्विफ्ट में सिग्नेचर कलर ऑप्शंस में फ्रंटियर ब्लू, पल मेटेलिक और बनिंग रेड पल मेटेलिक होंगे, जो कि जापान स्पेक मॉडल के समान है, लेकिन हमें इसमें पारंपरिक स्विफ्ट शेड्स के साथ आकर्षक ब्लू शेड आने की उम्मीद है। नई स्विफ्ट ज्यादा स्पोर्टी लेकिन अग्रेसिव दिखती है और अपनी प्रमुख फीचर्स के ज्यादा तकनीक से लैस होगी। नई स्विफ्ट की बिक्री मारुति सुजुकी अरेना आउटलेट्स के जरिए होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।